और राम राम प्रणाम। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में मेरे नन्नू भी हैं। नन्नू ढोलक बजाएंगे, हम गाना गाएंगे, ठीक ना नन्नू? अपन दोनों लोग, देखो भाई, दोनों लोग साझा साझा करेंगे, ठीक ना? तो चलो फिर ढोलक बजाओ तुम, और ढोलक बजाओ। बेटू हमारा ढोलक बजाएगा और हम गाना गाएंगे। तो यहाँ आके बजाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं आना है बेटू, सुनना ही नहीं है करता ही। बेटू को अपनी मनमानी करनी रहती। चलो फिर गाते हैं। कांगनवा मांगे नन दी लाल क बधाई, कांगनवा मांगे नन दी लाल क बधाई, कांगनवा मांगे नन दी लाल क बधाई। एक रुपया मोरे ससुर क कमाई, एक रुपया मोरे ससुर क कमाई। अठन्नी ले ल नन दा लाल के बधाई, अठन्नी ले ल फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। गाओ लो, घंटी बजा दो, घंटी बजा दो। पान चढ़े फूल और चढ़े मेवा, भारी है घंटी। आरती दे दो, आशी को आरती दे दो। हाँ अब हमको आरती दे दो। जय हो गया, और आरती ले लो। जय मम्मी दे दो, जय जो मम्मी को दिया आरती। हाँ हो गया, हो गया भाई, सब आरती हो गई। हाँ लो फूल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो भगवान को, फूल चढ़ा दो भगवान को। गिर गया, जाने दो, आओ चले, आओ चले। जय जय जय। अच्छा हाँ, यहाँ हाईली कुछ प्रसाद क्रिसमस ले आते हैं, अभी ले आते हैं प्रसाद। तो हम ले आए हैं आज पनीर। तो पनीर को कुछ दिनों तक सुरक्षित, यानी 4-5 दिन तक कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, आइए उसका हम ट्रिक बताते हैं। क्योंकि मेरे घर में अधिकांश पनीर आती है और संभाल के रखने की मेरी जिम्मेदारी। तो ऐसे क्या काम करेंगे, पनीर को पानी के अंदर एकदम डिप कर देंगे, पानी से बाहर नहीं रहना चाहिए। अब इसको अगर हम फ्रिज में लगा देंगे तो ये हमारी 5-6 दिन तक पनीर ज्यों के त्यों पड़ी रहेगी। और लंबा टिकाना है तो इस पानी को आप चेंज कर दीजिए, फिर दूसरा पानी आप डाल देंगे, फिर पनीर बनी रहेगी 10-10 दिन तक, ख़राब नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पनीर का ट्रिक। अब आइए दूसरा ट्रिक बताते हैं। और हम 200 ढेर सारा दूध ले आए हैं। अब इस दूध को एक नए किस्म का हम भगोना ले आए हैं, इसमें उबालेंगे। तो चलिए इस दूध का क्या करना है हमें उबाल के। अब हम सारे दूध को ऐसे अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि बाहर से दूध आता है, ये ले आए हमें दही जमाना है। जब हमें सफ़र जाना होता है तो हम ढेर सारा दूध ला के ढेर सारी दही जमा देते हैं, ताकि हमारे न रहने पर बच्चे खूब अच्छे से अपना दही वगैरह का सेवन कर सके। बाकी तो डेली दूध वाला दे ही जाता है दूध हमें। अब इसको हम खूब धीमी आंच पे उबालेंगे, क्योंकि मुझे ढेर सारी दही जमानी है, क्योंकि अर्चना रहती हैं तो दही अगर रहता है तो दही बेसन आलू, बेसन आलू दही सबकी सब्जियों बना लेती हैं। तो हमने दूध को एकदम छान लिया है, कुछ भी नहीं है, दूध बिल्कुल फ्रेश है। तो अब इनको हम धीमी आँच पर, इसी भगोने में ज़रा भी कुछ मिलाएंगे नहीं, इसी पर हम उबाल लेंगे धीमी आँच पर। ये हमारा बीच वाला चूल्हा एकदम धीमा है, और ये हमारा भगोना नया है, मीठा बनाना नहीं है। तो हम दूध ही सबसे बढ़िया शुभ होता है, दूध से ही अपने भगोने का हम उद्घाटन करेंगे। एक और आइटम बनाएंगे हम, देखिए खजूर ले लिए हैं, खजूर डाल देंगे, और केला ले लिए हैं ढेर सारा, मतलब कि हमें 4-5 गिलास बनाना है, तो ये ले लिया हमने। इसमें डालेंगे हम चिया सीड करीब 2 चम्मच, ये हो गया। तीन चम्मच ओट्स हो गया। आज कोई ड्राई फ्रूट और नहीं डालेंगे, बस इतना ही करेंगे।
थोड़ा सा दूध डाल के इसको और पीस लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी कॉफ़ी अपने टेस्ट के लिए, थोड़ी डार्क कॉफ़ी हमें अच्छी लगती है। थोड़े आइस डालेंगे, फिर इनको पीस लेंगे अच्छे से। अब केला छील लेंगे हम बढ़िया से। अब सारे केले को ऐसे ही छोटा छोटा टुकड़ा करके छील के डाल देंगे। अब इनको भी पहले ग्राइंड करेंगे। बढ़िया से ग्राइंड हो गया है, अब मुझे इसमें डालना है दूध अच्छे से। ये हमारा बनाना शेक बिल्कुल रेडी है, तो चलिए फिर और कुछ दिखाते हैं क्या क्या है। खोल चुका दोस्तों, अब इसका हमने मलाई उतार दिए हैं। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम जमाएंगे दही। अब नेक्स्ट देखिए दूध का क्या हो रहा है। तो सारा इसी में अब दही जमा देंगे अच्छे से। अब दही को खूब अच्छे से हम मिला दिए हैं, मिला के फेर दिए हैं। इस भगोने में हम इसलिए नहीं जमाएंगे कि अल्मोनियम का है, अगर इसमें हम जमा देंगे तो दही कसैला हो जाएगा, तो इसलिए हम अल्मोनियम में न जमा के स्टील में जमाएंगे। तो गरम गरम दूध है थोड़ा, उसी को हम इसमें मिला देंगे। तो ये हमने जमा दिया है दोस्तों। अब इसको हम क्या काम करेंगे कि अब इसको ढक देंगे, इसके बाद आपको दही एकदम फर्स्ट क्लास फ्रेश मिलेगी। तो दोस्तों मेरी दही एकदम से देखिए जम गई है खूब फर्स्ट क्लास। अब इसको जब फ्रिज में लगा देंगे तो एकदम से सेट हो जाएगी। देखिए उठा दीजिए, पठा दीजिए एकदम। अब इसको फ्रिज में लगा देंगे तो दही हमारी बिल्कुल से सेट हो जाएगी, ठंडी ठंडी बढ़िया से दही मिलेगी। तो दही मेरी भैया एकदम से जम चुकी है, चलिए लगाते हैं खाने के लिए। अरे तेरी की, तो ये हमारी दही एकदम रेडी है खाने के लिए। चलिए फिर फर्स्ट क्लास, देखिए दूध के हमारे कितने आइटम बन गए और क्या क्या बनेंगे वो भी आपको बताएंगे।